भगवान का लाख लाख शुक्र, आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती। बेटा, मैं तो हिम्मत ही हार चुकी थी, लेकिन तू हिम्मत नहीं हारी, तेरी वजह से सच सामने आ ही गया। मेरी वजह से नहीं माँ, ये सब प्रज्ञा भाभी की वजह से हुआ है। अगर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया होता ना, तो आज ये सब कुछ बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। आज की ट्रेन तो चली गई है, अब कल की टिकट्स करनी पड़ेंगे। अरे अच्छा वो भैया कि आज की ट्रेन कैंसिल हो गई, नहीं तो मैं कभी भी अपने आप से नजरें नहीं मिला पाती। लेकिन अब मुझ पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, और आज भी आपको ट्रेन की टिकट कराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, अब क्या काम है? अरे असली काम तो अभी बाकी है माँ। हम दोनों ऐसे तब तक नहीं जाएंगे जब तक भैया की गृहस्थी सेटल नहीं हो जाती। रच्चू, तेरे कहने का क्या मतलब है? भैया, जितना प्रज्ञा भाभी ने मेरे लिए किया है ना, उतना अगर कोई सगी बहन होती तो शायद वो भी नहीं करती। इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा भाभी के बारे में सोचो, उनकी खुशी का सोचो, और जल्दी से उनसे शादी कर लो हमारे यहाँ से जाने से पहले। ठीक है रच्चू। मुझे तो खुद नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं। कहां जा रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साथ कौन जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि अब भी मेरी जिंदगी में तुम सबसे खास लोगों में से हो। मौसम की सहर या सर्द में दोपहर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। हमारे लिए इतना सोचती है, मुझे भी उसके बारे में सोचना चाहिए। मैं कल ही उससे बात करूंगा।